हेलो दोस्तों, एमिस किचन लाइफ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं नाश्ते की एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दो मीडियम साइज़ के आलू ले लें और इसे छील करके साफ़ कर लेना है। साफ़ करके इसके पीसेज बना लें और धो करके ग्राइंड कर लें। अब ग्राइंड करते समय इसमें कुछ मसाले मिलाएंगे। एक लाल सूखी मिर्च ले लें, आप दो या तीन ही डाल सकते हैं। एक इलायची, आधी छोटी चम्मच जीरा, आधी छोटी चम्मच धनिया और आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर भी ले लें। सभी को एक साथ डाल करके ग्राइंड कर लेना है। आधा प्याज भी मिला दें, मीडियम साइज का। इन सभी को ग्राइंड कर लें। आधी छोटी चम्मच गरम मसाला भी मिलाएं। नमक आप अपने अकॉर्डिंग डालें। अब इसमें एक अंडा को फोल्ड करके घोल देना है। अगर आलू ज़्यादा ले रहे हैं तो अंडा भी बढ़ा दें। कलर के लिए थोड़ी सी हल्दी पाउडर भी यूज़ करें। सभी को अच्छी तरह से मिला देना है। अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। डीप फ्राई करने के लिए एक पैन में तेल गर्म करें। मैंने रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। इसमें आपको कोई गोल चम्मच से एक एक चम्मच इसमें डालना है। ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है, छोटा छोटा ही बनाएं। और उलट पलट के इसे ब्राउन होने तक फ्राई करना है। जब दोनों तरफ से ब्राउन हो जाए तो इसे निकाल लें। फ्रेंड्स, इसे चटनी के साथ आप खा सकते हैं। ये बहुत टेस्टी बनता है और नाश्ते के लिए तो काफ़ी परफेक्ट है। गाइस, आपने अगर ये बनाया तो कैसा बना आप ज़रूर कमेंट करें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसे मैं तोड़ के दिखाती हूँ कैसा बना है। ये देखिए, काफ़ी टेस्टी लग रहा है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ।